बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्य पिता राजकुमार भगत उम्र 12 वर्ष निवासी ग्राम खेरी थाना उगली अपने पिता के साथ जंगल के पास अपने खेत गया हुआ था। वहां से भैंसों को पानी पिलाने मीनाक्षी तालाब चला गया। वहां पूर्व से घात लगाकर बैठे बाघ ने बालक आदित्य के ऊपर हमला कर जंगल के अंदर ले जाकर आधा शरीर खा लिया। खबर लगते ही सैकड़ों की संख्या में गांव वाले लाठी लेकर जंगल पहुंचे। हल्ला गुल्ला सुनकर बाघ जंगल के अंदर भाग गया। वहीं मौके पर वन विभाग एवं उगली पुलिस पहुंचकर मृतक आदित्य के शव का पंचनामा तैयार कर पीएम के लिए पश्चात शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। एक माह के अंदर उगली क्षेत्र में बाघ के हमले से 2 इंसानों की मौत हो चुकी है। यह दूसरी घटना है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए केवलारी से राजू मेहरा की रिपोर्ट।